डिजीज ऑफ प्रोस्टेट में हमारा सबसे पहले है प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेटाइटिसमेशन तो इनफ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज इज नोन एज प्रोस्टेटाइटिस इट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेसिकल एंड पोस्टीरियर यूरिथ्रा इसमें क्या है प्रोस्टेट के साथ साथ जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा है या सेमाइनल वेसिकल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं आपको पता होना चाहिए प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या इट इज अ वॉलट साइज ग्लैंड सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो द ब्लैडर मैन होते हैं जो उनमें ब्लैडर है जो उसके जस्ट बिलो वॉलनेट जो है उसके साइज की एक ग्लैंड है जो फ्लूड प्रोड्यूस करे यानी सीमन प्रोड्यूस करिए जो नरिश करता है और ट्रांसपोर्ट करता है स्पम का तो ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट इसकी इन्फ्लामेशन को बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस इसकी इन्फ्लामेशन को बोलते हैं लेकिन इसके साथ साथ एसोसिएटेड जो और सेमाइनल वेसिकल्स हैं या पोस्टीरियर युथ्रा उसकी भी इंफ्लामेशन हो सकती है कारण की अगर हम बात करें कि इसके कॉजेज क्या है तो ट्रोमा हो सकता है या फिर इन्फेक्शन है जो इमेटोजिन स्प्रेड हो गया मतलब ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन है यहाँ तक पहुंच गए या फिर कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका इकोलाई e. या फिर स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया हो सकता है जो हमारा प्रोस्टेटाइटिस होता है ये दो तरीके का एक्यूट एंड क्रॉनिक एक्यूट में क्या होगा पेशेंट को पेन हो रहा है बर्निंग सेंसेशन है ड्यूरिंग मिक्सुरेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यूरिनेशन की पर्टिकुलरली एट नाइट रात के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करना पड़ेगा पेशेंट को अर्जेंसी टू यूरिनेट क्लाउडी यूरिन आएगा पेशेंट का हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स हो सकता है हैवीनेस लगेगी उसको पेरिनियल एरिया में लो बैक पेन हो सकता है और एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस मेनली एडल्ट्स में आपको देखने मिलेगा यंग एडल्ट्स में क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की अगर हम बात करें ये मेनली ओल्ड एज में देखने को मिलेगा पेशेंट को पेरिनियल हैवीनेस लगेगी और डिसकंफर्ट होगा ठीक है पेन ऑन सेक्सुअल इंटरकोर्स और अगर आप ऐसे पेशेंट की रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें क्या होगा टेंडर और बोगी प्रोस्टेट जो है वो देखने को आपको मिलेगा फील होगा ऐसा तो एक्यूट क्या ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं एक्यूट कंडीशन है जब बहुत टाइम से ऐसा हो जाए तब उसको क्रॉनिक बोलते हैं तो एक्यूट में क्या सिम्टम है और क्रॉनिक में क्या है वो आपको अलग याद रखने हैं Then हम बात करें कि आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे तो पेशेंट की आपको फिजिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन करनी करनी है, करनी है, डिजिटल रेक्टल यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक कराना है सीबीसी या सीटी स्कैन हम पेशेंट का करा सकते हैं क्या होता है जो हमारा क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है किसी पेशेंट को क्या करते हैं कि जो इंडेक्स फिंगर है उसको जो वो रेक्टल आ, पर रेक्टम इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट में थम को पेरिनल एरिया में रखते हैं देन एक हल्के से मसाज दी जाती है ठीक है जो इंडेक्स फिंगर है और थम है उसकी हेल्प से जो प्रोस्टेट है उसको मसाज देने के बाद पेशेंट को आप बोलोगे कि वो यूरिनेट करे जैसे ही वो यूरिनेट करता है और अगर जब वो उसमें पस दिखाई दे रही है म्यूको पस वाला उसका यूरिन पास हो रहा है इसका मतलब उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का वो पेशेंट है ठीक है इसका आपको ट्रीटमेंट क्या करना है पेशेंट को एंटीपायरेटिक्स देने आईवी फ्लू चलाने हैं बेड रेस्ट करने को बोलना है एंटीबायोटिक्स देंगे आप जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया ठीक है डॉक्सीसाइक्लिन, अल्फा ब्लॉकर्स देंगे अल्फा ब्लॉकर्स में जैसे टेट्राजोसिन है प्राजोसिन है या डॉक्साजोसिन है वो हम पेशेंट को देते हैं तो ये टॉपिक है हमारा प्रोस्टेटाइटिस जिसमें हमने पहले उसकी डेफिनेशन की बात की पहले प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका इंट्रोडक्शन क्या है वो देन डेफिनेशन क्या है प्रोस्टेटाइटिस की फिर उसके इडियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं और टाइप्स क्या हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक एक्यूट में क्या सिम्टम आएंगे क्रॉनिक में क्या आएंगे ठीक है देन आप उसको डायग्नोस कैसे करोगे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे देन हमने ट्रीटमेंट की बात की इसमें बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इंपॉर्टेंट है आपसे प्रोस्टेट में अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन बीपीएच का ही बनता है तो बीपीएच है क्या बीपीएच इज आल्सो कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट विच इज कॉमन कंडीशन इन मेल अब ऑफ फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स के बाद मेल में ज्यादा कॉमन कंडीशन है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है इसमें ये जो एनलार्जमेंट होती है इसको लेके दो थ्यूरीज हैं जो वैसे तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि क्यों हुआ लेकिन दो थ्यूरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं बीपीएच को फर्स्ट इज हार्मोनल थ्यूरी हार्मोनल थ्यूरी क्या बोलती है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है एज एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रहा है तो जो एंड्रोजन्स होते हैं ना मेल में उनका लेवल कम होने लगता है कम होगा तो इस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है उसकी वजह से मे बी प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाए यानी बीपीएच की कंडीशन हो सकती है ये हार्मोनल थ्योरी है एग्जैक्ट ये रीजन है ऐसा नहीं कह सकते थ्योरी है बस उसके बारे में नेक्स्ट है न्योप्लास्टिक थ्योरी न्योप्लास्टिक वाले थ्योरी वाले क्या बोलते हैं कि ये सिंपली एक एनलार्जमेंट है मतलब इसमें प्रोलिफरेशन होती है ऑल ऑल इन एलिमेंट्स ऑफ प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रोलीफरेशन चाहे वो फाइबर एलिमेंट हो मस्कुलर हो ग्लैंडुलर हो तो सबके अलाज में प्रोलिफरेशन होती है यानी इट इज जस्ट अ फाइब्रोएडिनोमा ऐसे बोलते हैं तो दो थ्यूरीज हैं, हार्मोनल थ्यूरी या फिर न्योप्लास्टिक थ्यूरी है ये एग्जैक्ट इसका कॉज ये हम नहीं कह सकते रिस्क फैक्टर कौन है बीपीएच के जिनको फैमिली हिस्ट्री हो ओबीज पेशेंट है टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो पेशेंट ज्यादा प्रॉन है इनके क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो ट्राइड है बीपीएच का एक ट्राइड क्या है फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी और हेजिटेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है पेशेंट बार बार यूरिनेट करता है टू स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे टाइम पहले पहले तो जैसे बीपीएच हुआ पेशेंट को तो सिर्फ डे टाइम में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाता है तो डे और नाइट दोनों में जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ऐसा क्यों होता है ड्यू टू इन इफेक्टिव एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर प्रोस्टेट बढ़ रहा है प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है तो वो ब्लैडर को भी तो पुश करेगा ना तो ब्लैडर अच्छे से एम्प्टी नहीं हो पाता पेशेंट का एक बारी में ही इसलिए उसको बार बार फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की तो हमने बात की पहले फ्रीक्वेंसी की देन आता है अर्जेंसी अर्जेंसी में क्या है पेशेंट को अर्जेंट डिजायर होती है टू पास द यूरिन फिर आता है हेजिटेंसी हेजिटेंसी में क्या होता है पेशेंट हेजिटेट टू पास द यूरिन बिकॉज इट इज सो तो इन इफेक्टिव ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हेजिटेट करता है पेशेंट पास करने में यूरिन को क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ब्लैडर अच्छे से एम्प्टी हो नहीं पाता तो वो हेजिटेट करता है तो ये तीन ट्राइड हैं बीपीएच के इंपॉर्टेंट एक तो फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी एंड हेजिटेंसी और क्या क्या हो सकता है क्लिनिकल फीचर में इसके डिस हो सकता है पेशेंट को यानी पेन होगा ड्यूरिंग मिक्चुरेशन हेमेचूरिया रेयर कंडीशन है बट हो सकता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन होगा या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो स्टोन बन सकते हैं पेशेंट में रीनल फेलियर हो सकता है या फिर रिकरेंट यूटीआई होने के चांसेस हो जाते हैं ठीक है अगर बात करें हम डायग्नोसिस की डायग्नोसिस में पेशेंट की अगर हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो एनलार्जमेंट ऑफ द लेटर लोब कैन बी इजिली यानी अगर लेटर लोब की एनलार्जमेंट हो रही है तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन से आपको पता चल जाएगा और जब आप रेक्टल म्यूकोसा को मूव करेंगे तो रेक्टल म्यूकोसा फ्रीली मूव मोबाइल होगी यानी वो जो अः रेक्टल एग्जामिनेशन करने पे आपको एनलार्जमेंट लग रही है उसके ऊपर रेक्टल म्यूकोसा फ्रीली मूव कर रही है ये क्यों आपने देखना है कि म्यूकोसा मूवेबल है या नहीं अगर कार्सिनोमा का केस हुआ अगर प्रोस्टेट का कार्सिनोमा होता है उसमें भी तो साइज बढ़ रहा है ना प्रोस्टेट का तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि वो बीपीएच है या कार्सिनोमा है तो जो कार्सिनोमा का पेशेंट होगा उसमें रेक्टल म्यूकोसा मोबाइल नहीं होगी यानी रेक्टल म्यूकोसा बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और अगर प्रोस्टेट बीपीएच का पेशेंट है तब जो जो वो वो लेटरल लोब है एनलार्ज तो होगा लेकिन रेक्टल म्यूकोसा फ्रीली मोबाइल आपको फील होगी जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे इसके अलावा आप ब्लड यूरिया या क्रेटेनिन करा सकते हैं यूरोफ्लोमेट्री करा सकते हैं यानी यूरिनरी फ्लो रेट है जो उसको देखने के लिए USG करा सकते हैं और इम्पोर्टेंट uh, है पी एस एनि प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो हम टेस्ट कराते हैं फिर बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में क्या है पेशेंट को बोलना है कि वो अवॉइड करे अगर वो अल्कोहल लेता है तो उसको अवॉइड करे और अल्फा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स देंगे यानी अल्फा ब्लॉकर्स जिसको हम बोलते हैं जैसे टेमिसोसिन हो गया टेराजोसिन है या अल्फाजोसिन देंगे फिनेस्ट्रा uh, फिनेस्ट्राइड एसिटेट देंगे पेशेंट को उसके बाद ये तो हमारा हो गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट आप क्या दे रहे हैं यानी ड्रग्स आप क्या क्या दे रहे हैं इससे भी ट्रीट नहीं होता तो सर्जरी आप क्या परफॉर्म करेंगे सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी कर सकते हैं या रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी बैरिनियल प्रोस्टेक्टमी यानी प्रोस्टेट को ही कट करना है आपने एंड टी पी टी यूआरपी इज ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट देखिए नाम क्या इसका ट्रांस यूरिथ्रल तो यूरिथ्रा के थ्रू जब आप प्रोस्टेट के रिसेक्शन करते हो तो उसको बोलते हैं टी यू आर पी तो अगर आपको बीपीएच आता है एग्जाम में तो आप इसके जो ये टी यू आर पी को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं बट इस टी यू आर पी इसमें क्या करेंगे थ्रू यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट है उसके रिसेक्शन हम करते हैं एनेस्थीसिया देंगे पहले पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या करते हैं सबसे पहले यूरिथ्रा है जो वहां से सिस्टोस्कोप को पास करना है जब तक वो प्रोस्टेट तक ना पहुंच जाए ठीक है वहां तक फिर अ लूप ऑफ वायर इज देन हीटेड विद इलेक्ट्रिक करंट एक लूप ऑफ वायर जो हीट किया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट से उसको हमने पास करना है और उसके थ्रू से वो जो आपकी वायर है उसकी हेल्प से जो है वो प्रोस्टेट के रिसेक्शन कर लेना है मल्टीपल बेसिस में प्रोस्टेट को कट कर लेना है उसी के थ्रू पास करेंगे ना यूरिथ्रा के थ्रू फिर क्या करते हैं एक कैथेटर है ये सब करने के बाद यूरिथ्रा के रिसेक्शन करने के बाद उस वायर से फिर क्या करते हैं उसको निकाल लिया फिर आपने क्या किया कैथेटर को इंसर्ट किया यूरिथ्रा के थ्रू और उसके थ्रू फ्लूड को पंप किया इनटू द ब्लैडर ब्लैडर में जो आपने है जो वो पंप किया फ्लूड अब वो वापस आएगा फ्लश करता हुआ यानी वापिस आता हुआ सारे जो पीसीज हैं, जो प्रोस्टेट के पीसेस हैं, उनको भी अपने साथ ले आएगा देन हिमोस्टेसिस को अचीव करना है और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में क्या करना है आपने एंटीबायोटिक्स देनी है कैथेटराइज करके रखना है आ, कम से कम बहत्तर घंटे के लिए और जो है वो अवॉइड करना है पेशेंट को बोलना है कि हैवी वेट है वो लिफ्ट ना करे या इंटरकोर्स करने को अवॉइड करना है तो ये हमारा टॉपिक है बीपीएच इसको हम आयुर्वेद में वातष्ठीला या फिर मूत्र अष्ठीला या अष्ठीला से कोरिलेट कर सकते हैं ठीक है ऐसे कोई एग्जैक्ट ये नहीं होता कि ये इसी को यही बोलेंगे लेकिन कोरिलेशन हम कर सकते हैं इसका तो अगर आपको आयुर्वेद अनुसार वातश्ठीला पूछा जाए मूत्र अष्ठीला या फिर अष्ठीला उसके साथ आपको बीपीएच को एक्सप्लेन करना है अस्टीला होता क्या है जो गुद्ध स्थान होता है तथा बस्ती जो गुद्ध स्थान यानी डेक्टम है और जो बस्ती है यानी ब्लैडर है उसके बीच में जो अपान वायु है वो क्या करेगी

इसकी चिकित्सा क्या बोलिए आयुर्वेद में स्नेहन कराना है पेशेंट को स्वेदन विरेचन करा सकते हैं उत्तर बस्ती देंगे अशमरी नाशक जो औषधियां हैं जो स्टोन में हम पेशेंट को देते हैं तो वो दे सकते हैं बलाघ्रित का प्रयोग करा सकते हैं और क्षार तेल से उत्तर बस्ती देने का विधान कहा गया तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आपको वात वातष्ठीला मूत्र अस्थीला या अष्टीला पूछा जाए उसको आपको मॉडर्न में बीपीएच से कोरिलेट करके बीपीएच को भी एक्सप्लेन करना है प्रोस्टेटिक एबसेस की

यानी स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया ही है क्लिनिकल फीचर की बात करें एब्सेस फॉर्मेशन जब भी होती है चाहे वो प्रोस्टेट की या बॉडी में कहीं भी एब्सेस है तो हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स तो पेशेंट में मिलता है वीनेस लगेगी उसकी पूरी बॉडी में पेन होगा और पोस्ट प्रोस्टेटिक मसाज जैसे करते हैं यानी प्रोस्टेटिक मसाज जो हमने अभी आपको बताया है मसाज करते हैं तो यूरिन में क्या है थ्रेड्स या फिर म्यूकोपस देखने को मिलेगा रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे जब हम आप तो तो आपको जो वो एब्सेस या फिर जो प्रोस्टेट है वो उसका साइज बढ़ा हुआ लगेगा ठीक है इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीबीसी आप कराएंगे तो टीएलसी डीएलसी बढ़ा हुआ मिलेगा पेशेंट का इन्फेक्शन की कंडीशन है ना यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक कराएंगे तो उसमें पस सेल्स ज्यादा मिलेंगी यूएसजी करा सकते हैं ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को आईवी फ्लू चलाने हैं अब इसको क्या देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है ठीक है जैसे आप जो है वो क्विलीन ग्रुप चला सकते हैं सिप्रोफ्लोक्सिन है ओफ्लोक्सासिन मोक्सीन और पस है जो उसको एक्सपाइरेट करना है उसको इवेक्यूट करना है पस को ठीक है तो ये हमारा टॉपिक है प्रोस्टेटिक प्रोस्टेटिकस तो इसकी डेफिनेशन क्या है देन होता क्यों है यानी प्रोस्टेट को अगर प्रोस्टेटाइटिस को ट्रीट ना किया गया तो वो कंडीशन लीड्स कर सकती है प्रोस्टेटिक प्रोस्टेटिकस को पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है देन इसके क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराएंगे एंड देन ट्रीटमेंट की हमने बात की नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट कार्सिनोमा इट इज द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन मेल्स एट द एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स ठीक है कई बार तो क्या होता है जो कार्सिनोमा है प्रोस्टेट का वो पता ही नहीं चलता मतलब बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें क्या कोई सिम्टम ही नहीं प्रोड्यूस हुआ ना डायग्नोज हुआ ये कब डायग्नोज होता है पोस्टमार्टम टाइम पे यानी बाद में जो वो डायग्नोज होता है कि इसको तो कार्सिनोमा प्रोस्टेट था तो आफ्टर बायोप्सिया स्पेसिमेन एग्जामिनेशन जब करते हैं तब शो होता है कि मेलेग्नेंसी थी इसको क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें पहले बात करते हैं जो कार्सिनोमा है स्प्रेड कैसे हुआ तो हिमेटोजिनस रूट से हो सकता है लिम्फेटिक या फिर लोकल जो है वो इन्वेजन हुआ यानी लोकली स्प्रेड हुआ है क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम आएंगे फ्रीक्वेंसी जो प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो देखिए प्रोस्टेटाइटिस हुआ या फिर बीपीएच हुआ तो साइज बढ़ रहा है जिनमें उनमें ये सिम्टम तो आएंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है अर्जेंसी होगी डिस होगा पेशेंट को नॉकटूरिया होगा हेजिटेंसी होगा रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है हेमेचूरिया देखने को मिलेगा लॉस ऑफ वेट अब ये कार्सिनोमा है तो पेशेंट का वेट लॉस होने लगेगा लॉस ऑफ एपिटाइट होगा एनोरेक् अगर हम बात करें साइन ऑफ मेटास्टेसिस की अगर यानी जो कार्सिनोमा है ज्यादा बढ़ गया यानी मेटास्टाइज हो गया तब क्या होगा लंबर पेन होगा पेशेंट को जॉन्डिस अटसाइटिस हो सकते ये बाद की स्टेजेस की बात है जब मेटास्टेसिस हो जाता है तो हिमोटिसिस होना कफ होना पेन होगा पेशेंट को एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें इसमें जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की तो जो प्रोस्टेट है उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी बहुत हार्ड होगा और रेक्टल म्यूकोसा बिल्कुल फिक्स हो चुकी होती है जैसे हमने बात किया बीपीएच की जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो जो उसमें कंसिस्टेंसी है प्रोस्टेट की वो स्मूथ होता है स्मूद भी हो सकता है थोड़ा फर्म भी लेकिन जो म्यूकोसा है रेक्टल म्यूकोसा वो फ्रीली मोबाइल है लेकिन कार्सिनोमा में क्या होता है हार्ड कंसिस्टेंसी होगी और रेक्टल म्यूकोसा फिक्स हो जाएगी बाकी इसके अलावा एक्सरे करा सकते हैं आप पेशेंट का पेल्विक एरिया का ब्लड यूरिया या सीरम क्रिएटिनिन चेक कराएंगे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक करा सकते हैं बायोप्सी करा सकते हैं ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में क्या है स्टिल को आप दे सकते हैं हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं सर्जरी ही करनी पड़ती है मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी तो सुप्रा प्यूबिक सुप्राप्यूबिक्टमी कर सकते हैं वही जो हमने बीपीएच में पढ़ा रेट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी या पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी टीयूआरपी ये सब करने के बाद रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी पेशेंट को चलानी होती है जैसे अब हमने बात की कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट की अगर आप देखें तो बहुत कुछ है पढ़ने को इनकी भी आगे एक्सप्लेनेशन है कि रूट से कैसे लिम्फेटिक से कैसे वो हमें नहीं पढ़ना क्योंकि देखिए उस चीज को डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए अभी आपको पढ़ना है कि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको एक क्लियर हो अगर आपको ये फाइव या टेन मार्क्स के लिए आए तो आपको पता है कि आपको क्या लिखना है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन देन उसका स्प्रेड फिर क्लिनिकल फीचर तो क्लिनिकल फीचर शुरू में क्या होंगे जब मेटास्टेसिस हो जाए तब क्या होंगे फिर एग्जामिनेशन आप कैसे करेंगे तो पर एग्जामिनेशन और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे देन आपको ट्रीटमेंट इसमें लिखना है ठीक है